ब्लॉग तो यार बेटा सीन ऐसे, मैं देर से उठूँ तो वो वाली मशीन में जल्दी होता तो मैं तो वहाँ पे तो नहीं, जुम्मा आज वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, दूसरी मशीन जा रहे मैं और अहमद, तो जुम्मा पढ़ के आ के आ सकते, जुम्मा पढ़ लिया अहमद और मैंने, वहाँ पे मेरे दोस्त भी मिल गए थे उनसे भी सब्सक्राइब करा लिया, अभी जा रहे हैं वापस घर, तो मिलते हैं आपसे घर। मामू और मैं शैम्पू लेके आ रही थी, चीज़ें खा के आए थे सामने, खोई नूस वाली कुल्फी थी। अंकल जी किन्ने की है कुल्फी? 20 वाली, 10 वाली नहीं है, 2 10 वाली चाह दे। आपको पता है भाई हम मिलीनियर बिलीनियर है, हम छोटी मोटी चीज़ें लेते कुल्फियाँ लेते, 2 कुल्फियाँ ले लिया 10 रुपये वाली, शुक्रिया अंकल जी। मामू भाई पकड़े, ये पकड़े खोई नूस की कुल्फी, रुक जाओ मैं ये पकड़ लूँ फिर मैं आपको खा के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो मज़ेदार है यार, चुप कर जो ना वही मैं खा लूँ बाद में। भाई जब वो बिका सीन ऐसा जा रहा हूँ मैं, मुर्गियाँ लेनी है गोश्त लेने, 2 मुर्गियाँ कटवानी है क्योंकि कल हम एक जगह पर जा रहे हैं, जो आपको कल भी ब्लॉग में पता चलेगा, अभी नहीं बता रहा मैं, कल आप देख रहे हैं, कल आप पूरा कल भी ब्लॉग में आपको पता चलेगा, कल आपने जाना है तो उसके लिए मुर्गियाँ लेने गोश्त लेना, तो वो ले जा रहे हैं। दुकान पहुँच चुके और ये सामने जिबा करवा रहे हैं, 2 मुर्गियाँ एक जिबा करते हैं, उन्होंने ये भी जिबा कर लिया, बाकी गोश्त वोश्त लेके जब घर जाएंगे वहाँ पे जाकर छुट्टियाँ भी कर रहे हैं। मैं ज़रा तकिया सेट करके लेटने लगा हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक, जब मैं बैठ जाऊँगा तो स्टेट तब भी रहा, फिर मैं गलियों में लूर रही हूँ कोई जगह मिलेगी इधर, कोई कंटेंट बनाए, कंटेंट की खोज में राफेल मैं गलियों में भटक रही हूँ, जैसे कोई कंटेंट मिल सकता आपको बता। सर मुझे टिकटॉकर्स का कंटेंट का भंडार मिला, ये देखिए टिकटॉकर जो होते हैं उनका कंटेंट पै रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा ये तो पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा टिकटॉकर्स का जो कंटेंट है ना यहाँ से जा रहा है, और दूसरी वो भी बड़ा ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, और ये राफेल है, और यार पता नहीं इतना ज़्यादा टिकटॉकर्स का कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई टिकटॉकर आके यहाँ से मैं ऐसे आइडियाज लेती हैं अपने टिकटॉक बनाने के लिए, बाकी यार मैं जा रहा हूँ कोई कंटेंट की और खोज में तो वहाँ पे मिलती हूँ। यहाँ पे पता नहीं बड़े लगे हुए हैं बड़े बड़े प्यारे, मैंने कुछ वीडियो बना ले रहे हैं, ये भी एक किस्म का कंटेंट मिल गया है मुझे, ला जे राफे चलने यार देख रहे तो नहीं है बड़े, ये राफे की ख्वाहिश थी कि ये देखते हैं, मैंने कहा चल राफे आप ये दिखा देते हैं, बाकी अभी हम गलियों में लौटते हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं। पता यार मैं कल जा रहा हूँ, ये तो नहीं पता कितने जा रहा हूँ, तो ये मेरे भाई हामिद मेहनत करने लगा हुआ है बिरयानी के लिए, सुबह लेके जाने ने फोटो टाइम हामिद के साथ, और ये नूबड़ा हर वक्त पापजी के उतारा था, पापजी के कट्टी प्लेयर, पापजी का कट्टी प्लेयर जिसको कहते हैं वो है ये, बाकी अभी मैं बाजार जा रहा हूँ तो बाजार जाकर जा रहा हूँ भैन दी सीरी रोड पर, इतनी ज़्यादा पतंगे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो पुलिस वाले भी आ रहे हैं क्योंकि आप वो ऐलान हो गया ना 8 बजे के बाद, वो देखो वो माँ की आँख आँखों में भी यार पतंगे पाड़ रहे हैं, आँखों के आगे मैं मोबाइल रखता हूँ, मोबाइल से देखता हूँ अब आगे क्या चीज़ है, भैन की सीरी पतंगे ही पतंगे यार, खोती के बच्चे, और ये मैं बहुत सारी दुकानें बंद करा रहे हैं पुलिस वाले क्योंकि ऐलान हो गया ना, बाकी यार पतंगे बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं ऐसे ये जाता हूँ आँखों के आगे मोबाइल है ना, मोबाइल से मैं देख लूँ आगे क्या चीज़ है क्या नहीं है, वैसे पतंगे भी आंखों में जाने से बच रहे हैं, बाकी यार अब यहाँ पे पतंगे नहीं आगे ये भी हैं, वो देखो भाई सौ कितने ज़्यादा पतंगे हैं, अब पता नहीं वीडियो में नज़र आ रहे हैं या नहीं, बाकी अब मैं जाके आपके घर जाके मिलता हूँ। पहुँच चुके हैं घर और अभी मैं लगा हूँ नहाने क्योंकि इतने ज़्यादा पतंगे तो मुझे उलझन हो रही है, तो मैं नहाने लगूँगा, अब आपको नहाते हुए थोड़ी दिखाऊँगा इसलिए नहा के मिलती हूँ, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, मतलब रेडी तो नहीं बस कपड़े वही पहने हैं बस नहा धो लिया, बाकी यार अब ये भी मुझे पता चला है, मुझे ना मेरे नानू ने बताया कि जिस दिन मैं कल गया नहीं था उधर ना मतलब पहले हॉस्पिटल था, वैसे मुझे पहले बताया था मेरे स्कूल में पढ़ता था ना तो दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि वहाँ पे पहले हॉस्पिटल होता था, रात को ऐसी आवाज़ें आती हैं कभी कोई आवाज़ कभी कैसी आवाज़ें आ जाती रहती हैं, मैं पहले समझता था एवं बोंगियाँ मार रहे होंगे, तो भी मुझे ना नानू ने बताया कि वहाँ पर सही में पहले हॉस्पिटल था, पता नहीं मेरी आनी है वो भी वहाँ पर पैदा हुई थी, तो ना वहाँ पे पता नहीं बड़े ज़्यादा लड़के बच्चे वगैरह ना फोत हुए थे, तो जो डॉक्टर था ना वो भी वहाँ पे छोड़ गया था, छोड़ गया तो वहाँ पे तो ना मेरा स्कूल है वहाँ पे, उसको वहाँ पे आसपास उसने कितना क्लिनिक खोल लिया था, तो
इसलिए ना वो मतलब वो भी बाद में ना फोत हो गया था। लेकिन यार मुझे तो वैसे मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैं 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप लोगों के साथ जरा शेयर कर दूँ, तक कभी जाना ना। बाकी यार आज का व्लॉग ज़रा छोटा ही है, क्योंकि आज मैं मेरा कज़न जो आयतुल है वो भी उसको भी तबीयत ख़राब थी, तो और आज वो बिजी भी रहा हूँ ज़रा, क्योंकि कल हमने जाना है ना जिधर, वो आपके कल के व्लॉग में पता लगेगा। कल का व्लॉग यार बड़ा मज़े का होगा, कल का व्लॉग लाजमी देखना है। कल बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह, कल वाले व्लॉग में फिर हमारे लगा।